और नौसारण कौशल विकास के अंतर्गत निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत नई परिवर्तन एजेंसी के द्वारा किया गया। कंप्यूटर आधुनिक शिक्षा का आधार है। कंप्यूटर के बिना ज्ञान अधूरी है। यह एक ऐसी शिक्षा है जहां छात्र छात्राएं स्वावलंबी बन सकते हैं। उक्त बातें SBI बैंक के अमनौर के शाखा प्रबंधक श्री कृष्ण मुरारी कर ने कौशल विकास के तहत अमनौर में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण शुभारंभ के अवसर पर कही। कार्यक्रम का उद्घाटन नवाड के जिला प्रबंधक अंशु माला एवं शाखा प्रबंधक श्री कृष्ण मुरारी कर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिला प्रबंधक अंशु माला ने कहा कि कंप्यूटर के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए नवाड कटिबद्ध है। इसके साथ साथ गन्ना प्लांट की शुरुआत करने के पहल पर भी बात की। इसके पूर्व आगंतुकों को अंग वस्त्र एवं फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम नई परिवर्तन के बैनर तले आयोजित किया गया। नई परिवर्तन के सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण 30 बच्चों को 3 माह तक कुशल प्रशिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को निःशुल्क लंच की व्यवस्था की गई। इस मौके पर आलोक कुमार सिंह, राहुल सिंह, शशिकांत सहित दर्जनों युवा युवतियाँ शामिल थे। स्वागत है। और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आपके निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण जो प्रोग्राम है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इसमें नवाड क्या है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न तरह के जो स्किल होते हैं जिनके उपरांत युवाओं को रोजगार मिल सकता है, इसके लिए विभिन्न तरह के स्किल के प्रोग्राम निःशुल्क एजेंसी के माध्यम से प्रदान करती है। इसी में अभी एजेंसी नई परिवर्तन को एक 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स के लिए एक प्रोग्राम सैंक्शन किया है, जिसमें 30 बच्चे, 15 मेल है और 15 लड़कियां हैं, इनको 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके उपरांत उनको या तो क्रेडिट के थ्रू या अदर सेटलमेंट, वे सेटलमेंट के थ्रू इनको रोज़गार भी दिलाया जाएगा। ये भी एजेंसी की जिम्मेदारी है, नवाड एजेंसी, और यहाँ स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर भी आए हुए हैं, उन सबके सहयोग से क्रेडिट लिंकेज भी होगा, ताकि अब अगर ये लोग सीख के चाहें तो अपना माइक्रो एंटरप्रेन्योर करके कंप्यूटर वगैरह खरीद के अपना खुद का भी अपना कारोबार कर सकती हैं। और अगर ये चाहें तो यहाँ जो विभिन्न कंपनियों के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर ये सफलतापूर्वक कोर्स संपन्न करती हैं तो इनको 12 से 18 हज़ार रुपये की सैलरी पर इनको काम भी दिया जाएगा। मैम, आपके ये नई परिवर्तन अब नौसारण में, ये सहयोग आपके द्वारा, नवाड के द्वारा, ये पहले राजमिस्त्री का भी प्रोग्राम हुआ, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा और किसानों में अभी काफ़ी ये चर्चा उत्साहित भी है, किसान काफ़ी, कि शुगर प्लांट को लेके, कि आप लोगों से आश्वासन भी कुछ मिला हुआ है या सर्वे चल रहा है शुगर प्लांट को लेके, तो क्या है इसमें आपका प्लान, कब तक ये इनोग्रेट होगा? अभी तो ये बहुत ही, अभी तो एजेंसी से सिर्फ मेरी ही बात हुई है। इसमें एक ये इससे दूसरा प्रोजेक्ट है, ये इसमें ये स्किल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये दूसरी स्कीम के तहत ये करना चाहते हैं। तभी ये प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करके हमें देंगे कि क्या करना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट है, इसके क्या आउटकम होंगे, किसानों को क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद ये क्षेत्रीय कार्यालय पटना को जाएगा, वहाँ जो सैंक्शनिंग कमेटी बैठती है वो डिसाइड करती है कि क्या इसमें सैंक्शन करना है और कैसे करना है। तो ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है अभी। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। जो 3 महीने का प्रोग्राम है, ये क्या है प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर प्रशिक्षण, ये नवाड द्वारा आयोजित और नई परिवर्तन अमनौर द्वारा प्रायोजित ये निःशुल्क कंप्यूटर का ट्रेनिंग है, जो 30 बच्चों का है, जो 3 माह तक चलेगा। इसमें जॉब का भी प्रावधान है? जी जी, सबसे बड़ा उद्देश्य है आज बिहार में जी सबसे बड़ी समस्या है पलायन, उसी के तहत नवाड का यहाँ ट्रेनिंग देकर स्वयं बिहार में और बिहार की धरती पर पलायन को रोकने के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर अभी विभिन्न कंपनियों का लोग उपलब्ध हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इनको रोजगार, उनका ये जो होता है उसका प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले ये लोग पहले अपना वो सेटअप करेंगे, उसका देखा जाए प्रोजेक्ट के ऊपर वो अलग से आता है। ठीक है, तो